नमस्कार दोस्तों, भारतीय वनडे टीम और वेस्टइंडीज की टीम अहमदाबाद पहुंच गई है और वहां दोनों टीमों ने एक अभ्यास मैच खेला और ये अभ्यास मैच भी बेहद रोमांचक रहा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में हरा पाएगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों टीम इंडिया की नजर 6 फरवरी से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज जीतने की होगी। वहीं इस सीरीज के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीम अहमदाबाद रवाना हो गई है और अहमदाबाद पहुंचते ही दोनों टीमों ने आपस में एक प्रैक्टिस वनडे मैच खेला। इस मैच में टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज टीम ने अच्छी शुरुआत की। डैरेन ब्रेवो और शाई होप ने पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। दोनों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की जोड़ी का बढ़िया तरीके से सामना किया, लेकिन फिर जैसे ही भारत के स्पिनर मोर्चे पर आए वैसे ही वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। युजवेंद्र चहल ने पहले डैरेन ब्रेवो को आउट किया, उसके बाद अगली गेंद पर चहल ने एक शानदार गेंद पर शाई होप को चलता किया। इस तरह वेस्टइंडीज टीम का स्कोर बिना नुकसान के 77 रन से 2 विकेट पर 77 रन हो गया। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी में रन गति थम गई। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने मिलकर वेस्टइंडीज बल्लेबाजों को रनों के लिए संघर्ष करवाया। कुछ देर बाद ही निकोलस पुरन को दीपक चहल ने चलता कर दिया। इसके बाद करण पोलार्ड चहल के तीसरे शिकार बने और बोल्ड हो गए। दोस्तों 184 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने किसी तरह टीम के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 275 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत के लिए युजवेंद्र चहल और दीपक चहर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3-3 विकेट लिए। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरे केएल राहुल और रोहित शर्मा ने शुरुआती 2 ओवरों में तेजी से रन बटोर रहे थे, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने राहुल और विराट कोहली के विकेट खो दिए, जिससे भारतीय टीम दबाव में आ गई। राहुल ने 11 गेंदों में 13 रन बनाए, वहीं कोहली भी जल्दी पवेलियन लौट गए, वे 1 ही रन बना पाए। भारत ने शुरुआती ओवरों में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उसको देखकर लग रहा था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल देगी, लेकिन राहुल और कोहली के विकेट गिरने के बाद भारत पर उल्टा दबाव बन गया। इसके बाद टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग गया। जेसन होल्डर की गेंद पर रोहित शर्मा LBW आउट हो गए। रोहित ने 29 रन बनाए। कप्तान रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब टीम का दारोमदार सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत पर था। सूर्य कुमार यादव और पंत की साझेदारी अच्छी जा रही थी, इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई थी, लेकिन इसी बीच पंत की किस्मत दगा दे गई और वे रन आउट हो गए। उन्होंने 37 रन बनाए। दोस्तों इसके बाद दीपक हुड्डा भी बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 रन पूरे किए। उन्होंने 42 गेंदों में 8 शतक पूरा किया। हालांकि 50 रन पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। सूर्य कुमार ने 44 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच आसानी से हार जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद दीपक चहर ने शानदार बल्लेबाजी की और 8 शतक जड़ दिया। चहर ने अपनी बड़ी शॉट्स लगाने की काबिलियत का परिचय दिखाया और 45 ओवर में टीम के स्कोर को 245 रन तक पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया को आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 276 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत एक समय बेहद मुश्किल स्थिति में था, लेकिन दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन 8 शतक की साझेदारी करते हुए भारत को 3 विकेटों से रोमांचक जीत दिला दी। दीपक चहर ने 50 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए, वहीं शार्दुल ठाकुर भी 20 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा के साथ किसे ओपनिंग करनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।